मेरे पास एल्कोहल मार्कर नहीं है, इसमें अभी भी कलर जिंदा है। कभी तेरे को नहीं छोड़ कर ड्रॉइंग बनाऊंगा। 150 150 मेरे को नहीं पता। तो नमस्ते जी, हम इस वीडियो में बनाएंगे वेजिटेरियन स्टिकर। जस्ट किडिंग, स्टिकर बनाएंगे। स्टिकर बनाने के लिए हम यूज करेंगे कलर पेंसिल, बिकॉज मेरे पास एल्कोहल मार्कर नहीं है, तो कलर पेंसिल ही सही। जो कलर पेंसिल मैं यूज़ करने वाला हूँ वह है डोम्स की तरफ से, गिरेगा नहीं। और मैं यूज़ करूँगा 12 वाला कलर पेंसिल का सेट, बिकॉज 24 वाला है बस यूज़ नहीं करूँगा यार। तो इसमें अभी भी कलर जिंदा है, तो पहले इसे ख़त्म करूँगा, उसके बाद 24 वाला बाहर निकालूंगा, क्योंकि 24 वाला नए वाला है अभी भी। सफ़ेद का हाल देखो, इतू सा हो गया, तब भी तेरे को निचोड़ कर ड्राइंग बनाऊंगा। तो स्टिकर बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जो पहले वाला तो है कलर पेंसिल जो मैंने आपको दिखा दिया, और दूसरा वाला है ये वाला स्केच बुक, मैंने ऑफलाइन स्टोर से खरीदा था, 150 150 में मिल गया था मेरे को। दुकान से जाके खरीद लेना यार, ऑनलाइन करते हैं। नहीं यार, आपकी मर्जी, आप खरीद लेना ऑफलाइन आपकी मर्जी, मेरे को नहीं पता। बाय द वे, आपके पास स्केच बुक है तो ठीक है, नहीं तो लूज शीट लेना, और कलर पेंसिल है नहीं है तो किसी भी और मीडियम में बना लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहले ही मैंने स्टार्ट किया है स्केचिंग के बिना कैसे बना हुए हैं। तो ऑब्वियसली रेफरेंस फोटो है मेरे पास, क्योंकि मेरा इमेजिनेशन रहती है, मुझे भी पता है। तो देखते हो, मैंने 2-3 पार्ट स्किप कर दिए, बहुत ज़्यादा स्किप कर दिए, बिकॉज मेरा फ़ोन डंगड़ा है, शूट नहीं है फ़ोन में, इसलिए स्किप करना पड़ा इतना ज़्यादा पार्ट, 2-3 जगह में वीडियो में ऐसा हो गया, तो माफ़ कर देना, पहले से बोल रहा हूँ, माफ़ कर देना। बाय द वे, आपको ये मेंढक कैसा लगा मेरे को बताना, ऐसे ही कुछ क्यूटी ब्यूटीज बनाने हैं आपको, बहुत खूबसूरत। तो नेक्स्ट वाला जो क्यूटी ब्यूटीज मैं बना रहा हूँ वो है डोनट, देखने में बहुत सुंदर था, बट मैंने ज़िंदगी में खाया नहीं अभी तक डोनट। पता नहीं यार कैसे होते हैं डोनट, खा लूँगा कभी बाद में, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। तो देख सकते हैं क्यूटी ब्यूटी डोनट हो गया फिर से मेरा, उसके बाद मैं बनाऊँगा एक सुंदर मंदर वाला केक। तो केक बनाने के लिए आपको चाहिए एक दिमाग में आइडिया। केक ड्राइंग ही तो करना है भाई, केक खाने का भी मन कर रहा है मेरे को। भूखा इंसान कहीं का, तो भूखा इंसान बनाते हुए ड्राइंग, कितना अंदर मंदर केक बनाया मैंने। भाई साहब खा लीजिए, भाई साहब खा लीजिए, अंकल जी खा लीजिए। तो गाइस, अंकल जी को भूख नहीं है, मेरे बर्थडे पे आना, मैं ये वाला केक खिला दूंगा, डांस करा दूंगा। जिसकी रिंग यार। तो ये देखो, मैंने 3 ऑलरेडी बना लिया, मतलब वीडियो में देखा ही होगा, और मैंने सोचा और 2-3 बनाता हूँ यार, एक बुक्स के लिए 3 चला जाता है। स्केचिंग करने के लिए आउटलाइन चाहिए, स्केचिंग करने के लिए आउटलाइन बोलते हैं, रेफरेंस, स्केचिंग करने के लिए रेफरेंस चाहिए हमें, क्योंकि मेरा इमेजिनेशन टट्टी है। तो अब मैं बनाऊंगा एक पैनकेक और एक स्ट्रॉबेरी, और क्या बनाऊंगा, पैनकेक के ऊपर टट्टी है, क्रीम होता है ना ऐसे स्पाइरल लगा के ऊपर आता है, तो उसे देखे मेरे को टट्टी की याद आती। और एक चीज़ बनाऊंगा मैं, उसका नाम मेरे को नहीं पता है। टेंशन की बात नहीं, मैं वीडियो में दिखा दूंगा यार, अभी तो मेरा ठोबड़ा ही देख ली। यार मुझे स्ट्रॉबेरी बनाते बात है, स्ट्रॉबेरी केक खाने का मन कर रहा है। कब खाऊंगा स्ट्रॉबेरी केक। तो एज यूजुअल जो प्रोसेस होता है वही हमने फॉलो किया है, बेसिकली प्रोसेस यही है कि पहले आउटलाइन करो, उसके बाद कलरिंग करो, जिस कलरिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ डोम्स कलर पेंसिल, आप सभी को पता ही है। बाद एक माइक्रो डिप पेन लो और उसे बॉर्डर कर दो, मतलब जो ड्राइंग किया है उसे ही बॉर्डर कर लो। उसके बाद हाईलाइट देने के लिए मैं जेल रोल पेन यूज़ कर रहा हूँ, दैट सिंपल, ओ माई गॉड इट्स सो सिंपल। भले ही मैं 2-3-4 हज़ार ड्राइंग कर लूँ, बट जो प्रोसेस है ड्राइंग करने का वो एक ही होगा, और ये बहुत ही आसान है। हाय मैं तो थक गया, हाय बेचारा मैं थक गया, तो क्या कर सकते यार, ड्राइंग तो करेगा मेरे को ही। तो इसके बाद जो ड्राइंग बाकी है वो फटाफट कर लेते हैं। बहुत लोग सोचेंगे कि ये हम हाथ से क्यों बना रहे हैं, दुकान से खरीद लेंगे भाई, क्यों हाथ से बना रहा, जो फीलिंग है ना वो एक बार ट्राई करके देखो यार, मजा आएगा। जैसे कि आप लोगों ने दिखाई होगा हमने कर लिया है, तो इसके बाद इसे कटिंग करेंगे और इसका स्टिकर बनाएंगे। कहाँ गई मेरी पुश्तैनी कैंची, दिस इज माई पुश्तैनी कैंची एंड दिस इज माई कुत्ता। तो फटाफट पेज काट लेते हैं पूरा इधर से, काट दिया। तो इसे फटाफट कटिंग कर लेते हैं, पहले सेपरेट कर लेते हैं एक एक।
फाइनली हो गया, अब बनाऊंगा स्टिकर। तो अब हमें चाहिए कुछ चीज़ें। तो पहले वाला तो ये स्टिकर, मेरे पास स्टिकर का पेज है इसलिए आपके पास है तो आप यूज़ कर लेना। जो बेसिकली है कि ये बटर पेपर है, तो ये कोई काम का नहीं है, ऐसे उठा सकते हो। ये नीचे वाला जो पेपर है वो हमें चाहिए, इसे आप उठा के फेंक सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, ऐसे कपड़े पर लगा लेना। ये देखो ये है स्टेपलर का पेन, इसे फेंकना पड़ता है नहीं तो किसी के पिछवाड़े घुस जाएगा। उसके बाद चाहिए क्लियर सेलो टेप। सेलो टेप वो हाथ में तो एक चीज तो करना पड़ता है यार, दिखा दो। ये देखो भाई ये नहीं डालूंगा, लोग क्या समझेंगे यार बंदो पागल। बहुत सारी वाले हरकतें करने के बाद मैंने चलो स्टिकर बनाना स्टार्ट किया। फटाफट पेज में मैंने सजा दिया। उसके बाद हमें सेलो टेप लगाना है ऐसे। उसके बाद एक लेयर सेलो टेप लगाना है, मतलब पूरा जो स्टिकर है, जो ड्राइंग है, मतलब कि जो ड्राइंग है वो कवर हो जाना चाहिए। उसके बाद उसे साइज के हिसाब से काट लो। उसके बाद ऐसे ऐसे काट लो जैसे ऐसे मैं काट रहा हूँ। तो कटिंग कर लेने के बाद कुछ ऐसा हालात होगा। उसके बाद हमें करना है कि फिर से जो ड्राइंग है उसे थोड़ा सा छोड़ के हमें ऐसे काटना पड़ेगा, जैसे कि सेलो टेप बाहर थोड़ा सा निकल के रह जाए। तो इसी काम के साथ हो गया हमारा स्टिकर तैयार। उसके बाद हम स्टिकर को लगाएंगे अपने बुक में। लगाने के लिए स्टिकर का ये पीछे जो हिस्सा है उसे उखाड़ना पड़ेगा, बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम है, उखड़ता नहीं। तो ठीक से पकड़ रखे, उसके बाद उखाड़ना। बहुत मशक्कत के बाद मैंने स्टिकर को पेपर से अलग किया। उसके बाद हम अपने बुक्स में लगाएंगे स्टिकर। तो तैयार हो चुका है हमारा स्टिकर, उसके बाद हम बुक में लगा देंगे। तो ऐसे ही कुछ लुक है, देख लो, अंदर से भी देख लो। नमस्ते जी, हम इस वीडियो में बनाएंगे होममेड टेबल मैट किचन मैट स्टिकर। मतलब बोल ही सकते हैं ना, होममेड घर पे बना रहे तो होममेड, टेबल पे बना रहे तो टेबल मैट, और चेयर पे बनाए तो चेयर मैट। मतलब जिस पे बनाओ तो उस पे ही मैट लगता है। डंगड़ वाली बात कर तुम। Where is my boo-boo? Oh my God! थंबनेल के लिए एक्टिंग हो गया। ये एक्सट्रीम हो गया यार, बंद कर देता हूँ कैमरा। हाय, मैं तो थक गया। बट मैंने जिंदगी में खाया नहीं अभी तक डोनट। पता नहीं यार, डंगड़ लुक।